ये टाइम क्या हो रहा है, पहले टाइम बताओ, टाइम बताओ, टाइम क्या हो रहा है? 7 बज रहे, 7:45 हो रहे हैं मेरे भाई। हमें कब निकलना था? हमें निकलना था 7:45, हमें 7 बजे निकलना। अब हम उठाने जा रहे हैं सर्वर को, बस वो रहते हैं मेहमान में, बस वहाँ से पिक करके बस डायरेक्ट सर। वो ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं मेहमान, ड्रीम वर्ल्ड के मतलब पास पास पगला ही गया सुबह सुबह। ये हम इनको लेने आए, इनकी हालत देखें क्या हो रही है। ये हमारे साथ जाएंगे अभी, मैं पैंट पहनूंगा। यूं तैयार, यूं तैयार, नाश्ता करा ये सही है। हम लोगों ने मंड के नाश्ता किया, चलो करते हैं भाई। हम लोग निकल चुके हैं, अभी आए हैं सीएनजी पंप पे। और ये जो इंसान है ना, इसकी वजह से 2-3 बुराइयां सुबह ही सुबह हुई हैं, मैं अभी यहाँ नहीं बताऊंगा, वो हम लोगों ने फेस कर ली है। बस अब निकलेंगे, नाश्ता भी करना। वही जाने से पहले सोचा कि नाश्ता भी कर लिया जाए। तुम्हें कहाँ है? क्वेटा दरबार रेस्टोरेंट। बताइए क्या बताओ। हाँ, उसमें इतना हंसने वाली क्या बात थी। तो जी बस नाश्ता ऑलमोस्ट हो गया है, निकलना है यहाँ से। और ये इंसान मतलब इस तरीके से खा रहा है कि अब शायद आगे हमें मिलेगा नहीं कुछ। चाय पिए? अच्छा, हैदराबाद एंटर हो गए हम लोग। अब सर ढूंढना है हाला नाका, नहीं हाला सिटी, हाला सिटी, हाला सिटी ढूंढनी है। वहाँ पे इनको जाके थोड़े से अपने हैंडक्राफ्ट के शॉट्स निकाल लें, फिर उसके बाद और आगे जाके देखेंगे कहाँ कहाँ और आगे जा सकते हैं। भारत ये भी आ रहे हैं, बताइए वही। अब हम एंटर हुए हैं हाला सिटी के अंदर। ये हैदराबाद से भी 60 किलोमीटर आगे जाकर है। बहुत बड़ी भैंस है। अच्छा गूगल में आता। बस हम लोग हाला के जो बाजार है उसके अंदर एंटर हो रहे हैं अंदर। और अब जाके मैं आपको यहाँ के दिखाता हूँ और ये दिखाऊंगा कि यहाँ पे इन लोगों ने मार्केट किस तरीके से बनाई है। जी हम लोग अभी इंटर हुए शाही बाजार। यहाँ पे एक शॉप है, शॉप है, और इन लोगों ने हमें परमिशन दी कि हम यहाँ पे शॉर्ट्स निकाल लें। बेसिकली यहाँ से, यहाँ पे कारखाने से माल बनकर आता है। ये वो जगह नहीं जहाँ मतलब ये सब कुछ बनता है, तो हम लोग वहाँ भी जाएंगे। लेकिन पहले आप लोग यहाँ के शॉर्ट गर्म हो जाए थोड़ा सिनेमेटिक। वापिस आएंगे ना यहाँ पे भी? अच्छा हाँ, फिर आएंगे साईं के पास आएंगे ना? हाँ साईंगे, जी जी जी, फिर आके मिलते हैं। मेहरबान, रोटी वोटी खावा? बिल्कुल, अभी ये ब्लू खाना वाना खा कर आया। मेहरबान मेहरबान।
अब हम जा रहे हैं काशी के कारखाने जहाँ पे जितना भी ये हैंडक्राफ्ट होता है मिट्टी के बर्तनों पे। और ये जो बंदा हमारे साथ आगे ठेले पे चल रहा है ये वही बंदा है जो कि ये सब चीज़ें बनाता है। ये हमें लेके जा रहा है अपने कारखाने पे। तो जी अब हम काशी के कारखाने आ गए। ये पीछे कारखाना है और एक वो कारखाना है सामने वाला। ये मिट्टी के बर्तन। अब हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे हो रहा है काम सारा और यहाँ पे इन्होंने भट्टी भी लगाई हुई है। ये भट्टी लगी हुई पीछे और यहीं पे सारे मिट्टी के बर्तन ये लोग बनाते हैं। एक चीज तो समझ में आ गई, यहाँ के लोग बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव हैं एज कम्पेयर टू हमारे। अगर हम कराची चले जाएं तो काफी सारी जगह ऐसी यहाँ पे कि अगर आप आते उनसे रास्ता भी पूछते हो तो वो सही से गाइड नहीं करते हैं। और भी कुछ लोग हैं जिनको मैं मेंशन नहीं करूँगा, शायद लोग समझ जाएं। बाकी यहाँ पे हम लोगों को हर जगह प्रोटोकॉल के साथ लेके जाया जा रहा है। इवन कि जब हम लोग दरगाह के अंदर गए वहाँ भी हमें प्रोटोकॉल मिला। वहाँ पे एक साइन थे, उन्होंने हमें परमिशन दी कि यहाँ पे आप ड्रोन उड़ा लो, जबकि ड्रोन वहाँ पे अलाउ नहीं है। फिर वहाँ की मार्केट के जो शॉट हमने निकाले वहाँ के बंदे ही बहुत कोऑपरेटिव थे। फिर यहाँ जब हम लोग आए हैं काशी के दर पे इस पे जहाँ पे इनका क्राफ्ट वर्क होता है, तो यहाँ भी ये लोग इसी तरीके से कोऑपरेटिव हैं। हर चीज़ हम लोगों को डिटेल में दिखा रहे हैं, बता रहे हैं यहाँ के बारे में, बता रहे हैं कब से काम ये लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा छू गई। जी मेरा नाम खादिम हुसैन है, मैं कुम्हार हूँ। और ये मेरा बाप जो है भरेडनू कुम्हार, वो पहले काम करता था, फिर उसके साथ में सिखाऊ काम। पहले हम देहात में रहते थे और 40 साल पहले हम यहाँ शहर में हाला में आए और ये काम मेरे बाप ने सीखा और फिर हमने उसके पास साथ साथ से काम किया तो हम भी सीख गए। ये अल्लाह की मेहरबानी है और हमारे बाप की मेहनत है, उसका नतीजा है जो आप काम देख रहे हैं। जी बस ये यहाँ पे भी हम लोगों ने शॉर्ट निकाल ली है, काम हो गया कम्प्लीट। अब हम निकलेंगे कराची के लिए, बस अब एंड चल रहा है, लास्ट में इसके कुछ पोस्टर्स के लिए भी चल रहा है। तो बस यहाँ से वापस जाया पर जाके ये देखें, ये वाइपर का काम कर रहे हैं। आगे कुछ नहीं दिख रहा है और वाइपर नहीं चल रहे हैं। अबे सब छोड़ो, रेनबो नजर आ रही है भाई। और इनको रेनबो नजर आ गया यहाँ पे, मतलब ठीक है फटी पड़ी पे कौन काम करेगा। अरे रैम्बो दिख रहा है हमारे कराची में, नहीं ये कोई सीन में है भैया। इस बेचारे को पड़ गया दौरा, यहाँ हो रही है बारिश और मौसम बहुत टाइट। ये तुम करने क्या बैठे हैं बताओ।